कृषि मंत्री कमल पटेल ने पवित्र स्थली चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कमल पटेल ने कामतानाथ भगवान के दर्शन कर कामतानाथ पर्वत की पैदल परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून को देश और किसान हित में बताया। भारत रत्न सम्मानित नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर भाजपा के कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने कामता भगवान के दर्शन कर विधिवत पूजन अर्चन किया और कामतानाथ पर्वत की पैदल यात्रा की। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि केंद्र के लाए गए कृषि कानून किसानों के हित के हैं। इनमें किसानों को खुला बाजार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि जब फसल आ रही है तब दाम बढ़ रहे हैं। इससे पहले फसल आने पर दाम घटते थे। उन्होंने कहा ये सब संभव हो पाया है क्योंकि सत्ता परिवर्तन से हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा 2022 तक। इसलिए उन्होंने 3 कृषि कानूनों में संशोधन किए हैं और आबादी का मालिकाना हक, गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने का स्वामित्व योजना लाए। 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने इसकी घोषणा की, मध्य प्रदेश उसमें शामिल किया और उससे हरदा जिला और डिंडोरी जिला पहले पायलट प्रोजेक्ट था, 20 जिले हो गए। अब आने वाले समय में पूरे प्रदेश का हो जाएगा। इससे गाँव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी और सही मायने में गाँव अब आजाद हुए। अब गाँव के विकास के द्वार खोले हैं मोदी जी ने। अब गाँव के लोगों की तकदीर तस्वीर बदलेगी। किसान सिर्फ खेती के लिए मजबूर नहीं होगा, खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा और किसान की आय 2 गुना 4 गुना 10 गुना होगी। जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, अब किसान खुद कमाएगा। अभी तक का रिकॉर्ड देखना कि जब फसल आती जब भाव बहुत कम हो जाते थे, लेकिन पहली बार है कि फसल जैसे हमारे नीना हुआ से फसल आने समय रेट बढ़ रहा है। जो सरसों 3,000 से 4,000 चल रही थी वो 5,600 चल रही है, जबकि समर्थन मूल्य उसका 4,650 है। चना जो 3,000 से 4,000 चल रहा था वो 4,000 से 5,000 हो गया, 5,000 से ऊपर भी हो गया, 6,000 हो जाएगा। सिर्फ एक नीति परिवर्तन करने से, सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन किए। क्योंकि हम किसान के बेटे, हमको पता किसानों को कहाँ कहाँ शोषण होता, कैसे लूट होती, और इसलिए हमने बचाने का काम किया। और इससे मध्य प्रदेश में 80 लाख मेट्रिक टन चना सरसों मसूर होगा, 8 करोड़ क्विंटल 2000 के हिसाब से करें 16,000 करोड़ से लेकर 20-25,000 करोड़ किसानों की जेब में ज़्यादा आएगा, जो व्यापारी और उद्योगपति की जेब में जाता था। और इस बार चना सरसों मसूर हमको मिलेगी नहीं समर्थन मूल्य पे, क्योंकि हम इनके रेट बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।